हेलो फ्रेंड्स, सुविधा नेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये प्लेन केक। प्लेन केक में अंडे की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इसको मैंने ओवन में बनाया है, ये मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो आप भगोने में, कुकर में, किसी में भी बना सकता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है और कितना स्पंजी हुआ है। तो इस तरह का केक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी मैदा। मैदे को सबसे पहले हम छान लेंगे, एक छन्नी लेंगे, इसमें मैदा डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से छान लेंगे जिससे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको एक किनारे रखेंगे और दूसरा बाउल लेंगे। इसमें हमने 1 कटोरी बटर डाला है। ये बटर मैंने मिक्स कर लिया है, ये घर का बना हुआ बटर है। और इसमें 1/2 कटोरी ऑयल डालेंगे। ये ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसमें और हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। ये देखिए 1 कटोरी हमने चीनी लिया है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना फेटेंगे जिससे ये मिक्सचर जो है बिल्कुल पफी हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पफी होने तक फेटेंगे, 5 से 10 मिनट तक इसको फेट लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही। ये फेटा हुआ दही हम इसमें डाल देंगे और ये बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, दही नॉर्मल दही होना चाहिए, ये घर का दही है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे दही के का टुकड़ा ना रहे, तब तक हम इसको फेटेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, ये परफेक्ट तैयार हुआ है हमारा ये केक का बैटर। और अब इसमें धीरे धीरे जो हमने मैदे और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का पाउडर बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, एक तरफ से चलाएंगे। केक बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल एक तरफ से और धीरे धीरे चलाना है, बहुत तेज से नहीं मिक्स करना है। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा करके मिक्स करेंगे जिससे ये अच्छा आसानी से घुल जाए और इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल अच्छा सा ये इसका पेस्ट एक तैयार होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा मैदा जो बचा था उसको भी मैंने डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें ये गाढ़ा लग रहा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे और पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ये अच्छा घोल एक तैयार करेंगे। ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें दूध मिलाकर और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो इसको दूध मिलाकर और धीरे धीरे चलाते हुए मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक का। ये देखिए बिल्कुल परत दर परत गिरना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परत दर परत गिर रहा है, इसका मतलब बैटर तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है और बहुत अच्छा केक का परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक केक पैन लेंगे, इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। देखिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप केक रख सकते हैं, स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं आप, और उसमें आप थोड़ा सा इस तरह से ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर मैदा डालिए और चारों ओर फैला लीजिए। इस तरह से हमारा केक टिन तैयार हो जाएगा। देखिए ऐसे चारों ओर से ये डालकर मैदा अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से केक टिन हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको एक
अब हम केक टिन में ये केक का बैटर डालेंगे। ये देखिए परत दर परत गिर रहा है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसका एयर बबल निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पर रखेंगे और इसको मैंने प्री हीट कर लिया है नमक डालकर। ये पहले भी मैं इसमें बेक कर चुकी हूँ, इसलिए ये नमक ब्राउन दिख रहा है। तो इस कढ़ाई को मैंने पहले से 10 मिनट पहले प्री हीट कर रखा हुआ है। अब हम इसमें एक छोटी कटोरी रख देंगे, आप ये दूध वाला स्टैंड भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं ये केक का टिन रखूँगी। ये ध्यान रखें कि गहरा बर्तन लें, गहरी कढ़ाई हो, कुकर हो या भगोना हो, इस तरह का आपको लेना है और इसमें एक छोटी कटोरी डालकर और उसके ऊपर केक टिन रख देना है और रखकर इसको ऊपर से ढक देना है और ढककर 20 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। 20 से 30 मिनट भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। तो इसको मैं 30 मिनट तक गैस पर रखूंगी। 30 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। अब हम इसको निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं इसको दिखाती हूँ और इसमें हम चाकू डालकर देखेंगे, अगर हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन आता है या टूथपिक से भी हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं अब निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अब ये केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको चाकू के सहायता से हम किनारे किनारे घुमा लेंगे और इसको एक प्लेट ऊपर रख कर और उल्टा कर रख देंगे और इसको हम निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, बिना बटर पेपर लगाए ही ये कितने आसानी से निकल जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। और ये कितना सॉफ्ट हुआ है आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह का केक बनाना भी बहुत आसान है और इसकी मैं सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया ये हुआ है। ये देखिए मैं इसको काट के दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। ये काटने में ही पता चल रहा है कि ये केक कितना सॉफ्ट हुआ है। अभी थोड़ा गर्म है और इसलिए थोड़ा नशा नीचे से चिपक रहा है, बिल्कुल ठंडा होने पे तो ये और भी अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितना परफेक्ट केक तैयार हुआ है। बाज़ार से भी अच्छा ये केक घर पे आप बना सकते हैं और बिल्कुल कम चीज़ों में। तो इस तरह से केक बनाइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।